नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत जिले में अवैध नशीले पदार्थों की खरीद फरोख और तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सघन अभियान चलाकर नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों की अनुपालना के क्रम में नैनीताल पुलिस लगातार जिले में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बीते दिन प्रभारी निरीक्षक लाल कुआं डी आर वर्मा के निर्देशों और लाल कुआं पुलिस ने टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस टीम ने रावतनगर प्रथम बिंदुकत्ता के रहने वाले भीम सिंह मेहता को गौरा नदी के किनारे रावतनगर फील्ड के पास बिंदुकत्ता से 62 पाउच कच्चे शराब के साथ गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सोमेंद्र सिंह, कांस्टेबल अशोक कम्बोज, कांस्टेबल वीरेंद्र रौतेला और कांस्टेबल दयानाथ शामिल रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।